सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बायो में कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम को अच्छी तरह से समझेंगे और फिगर के माध्यम से समझेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे डिटेल से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको दो पार्ट में समझाया गया है, तो दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि मतलब हड्डी कौन सी, क्रमशः बताइए फ्रेंड। देखिए आंसर आता है तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, कम से कम आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। और देखिए फिर पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा क्वेश्चन देखेंगे, तो पूरा डिटेल्स पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद हो जाएगा फ्रेंड। तो अच्छे से समझिए, समझते चलिए क्वेश्चन फ्रेंड, और आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो देखिए फिगर में पहले देख ले, फिगर में समझ लेंगे तो भूलेगा नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए कान, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो इसमें तीन हड्डियां पाई जाती है, एक कान में तीन हड्डियां, माइलियस, इनकस और स्टेप्स। तो जो स्टेप्स होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है फ्रेंड्स, कान में, वो कान में होती है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के साथ याद करिएगा। और देखिए जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी जो फीमर होती है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फीमर हड्डी है, जो जांघ की यही फीमर हड्डी है, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बस फिगर को समझते चलेंगे तो याद हो जाएगा। तो कौन सी, देखिए स्टेप्स और फीमर, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद भी हो गया। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स पहले फिगर में देखिए, जो सीने की हड्डियाँ होती हैं वही पसलियाँ, देखिए पूरा एक तरफ जो होती है यहाँ पे, देखिए एक तरफ जो हड्डियाँ इतनी होती हैं ये 12 हड्डियाँ होती हैं और दूसरे तरफ 12 हड्डियाँ होती हैं, तो टोटल हड्डियाँ 24 हो गए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर ये देखिए ये जोड़ने वाले दो तरफ से जोड़ रही हड्डी, इसका क्या नाम है, देखिए इसको स्टमम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको जोड़ेगा पूरी सीने की पूरी हड्डियाँ पूछेगा तो 25, देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन फ्रेंड्स बनते हैं, तो अच्छे से तरह समझ लीजिए, पसलियों की हड्डियाँ पूछेगा तो 24 हो जाएंगी, 12 एक तरफ 12 एक तरफ, अगर पूरी हड्डियाँ सीने में पूछेगा तो इसको भी जोड़ेगा तो 25 हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, पसलियों की हड्डियाँ, तो पसलियों की हड्डियाँ कितनी है तो 24 हो जाएंगी, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बस फिगर में अच्छे से समझते चलिए, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ तो जबड़े को होती है, यहाँ पे जो जबड़ा होता है, जो दांत वाला जो जबड़ा नहीं होता है, तो सबसे मजबूत होता है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा, जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत मांसपेशियाँ होती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जबड़े में, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद हो जा रहा है फ्रेंड्स। और देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, यूस्टोकिक नलिका मानव शरीर के किस भाग में अवस्थित होती है, इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। देखिए सभी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यूस्टोकिक नलिका मानव शरीर में किस भाग में होती है, तो कान में होती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, कान में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइट
पाए जाते हैं इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है तो बताइए फ्रेंड्स, अगर आंसर आ रहा है तो ज़रूर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ऑस्टियोसाइट यह बोन में, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, यह बोन में पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओडोंटोलॉजी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ओडोंटोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो अच्छे से फ्रेंड्स बताइए, ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन आएगा, दांत कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताएंगे, और कौन से जीवन में एक बार आते हैं, कौन दो बार आते हैं, सबको अच्छे से समझाएंगे और ट्रिक के साथ समझाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन अभी आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन ऑस्टियोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, देखिए अच्छे से बताइएगा फ्रेंड्स, जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्षीय कंकाल इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो बताइए फ्रेंड्स, अक्षीय कंकाल में कितने हड्डियाँ होते हैं अगर पढ़े हैं तो बताइए, तो हम पूरे डिटेल के साथ आपको बताएंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स अक्षीय कंकाल होते कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स वो जो रेड वाला दिख रहा है वो सब अक्षीय कंकाल होते हैं, जो रेड वाला दिख रहा है अक्षीय कंकाल है, देखिए यहाँ पे साधारण बड़ा स्क्रीन है यहाँ से देख सकते हैं, ये अक्षीय कंकाल है। देखिए हड्डी दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक अक्षीय कंकाल होती है और एक उपांगीय कंकाल होती है, उपांगी एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। तो देखिए अक्षीय कंकाल में जो रेड वाला दिख रहा है इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसमें टोटल मिला के 80 हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स, टोटल मिला के कितना हड्डियाँ होती हैं 80, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आ देखिए जो उपांगीय कंकाल इसके जो बाहर जो इसके जो शेष भाग बचे सब उपांगीय कंकाल होते हैं, तो इसमें देखिए कितने टोटल हड्डियाँ होती हैं तो 126 हड्डियाँ होती हैं, उपांगीय में 126 हड्डियाँ होती हैं और अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती हैं, तो ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये अक्षीय कंकाल है और बाकी इसके जो साइड में है जो रेड के छोड़ा के वो सब उपांगीय कंकाल हैं, तो देखिए अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी हो जाएंगी तो 80 हो जाएंगी, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, इसको अच्छे समझिएगा, देखिए मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और देखिए इसका एक बार ट्रिक देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ट्रिक है, ट्रिक से अगर याद हो जाएगा तो भूलेगा नहीं, अगर अपने दिमाग से अगर इसको सेट कर लेंगे तो। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यही ट्रिक है, इम्पॉर्टेंट ट्रिक है फ्रेंड्स, इसको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश ज़रूर आप लोग कीजिएगा। तो देखिए ICPM, आई केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ से याद कर लीजिएगा, तो ICPM देखिए दांतों के पहले नाम देखिए, दांत चार प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, ये तो पहले समझिए, और देखिए कौन कौन से होते हैं, आई से इंसीजर होता है, सी से कैनाइन होता है, PM से प्री मोलर होता है और M से मोलर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले ऊपर से देखिए, बस एक पार्ट देखिए, इधर का देखिए और इधर का देखिए, तो देखिए जो इंसीजर होता है इधर दो हो जाएंगे, देखिए दो दांत इधर और दो दांत इधर, तो टोटल दांत कितने हो जाए, बस ऊपर का तो टोटल चार हो गए फ्रेंड्स। और देखिए जो कैनाइन होता है, जो सबसे पहले जो दांत आता है कैनाइन, जो
सबसे पहले जो छोटे बच्चों को आप देखे होंगे तो वो कैनाइन होता है, तो ऊपर दो, तो टोटल दो हो गए। आप प्री मोलर वो साइड में होता है, देखिए साइड में, तो वो भी दो होते हैं, तो कितने हो गए, दोनों तरफ से चार हो गए। अब देखिए प्री मोलर जो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आते हैं, तो उसको हम मोलर बोलते हैं, तो कितने होते हैं, तीन तीन, तो दोनों साइड से कितना हो जाएंगे, तीन तीन छः हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चार हो गया, ऊपर देखिए, बस ऊपर का देखिए, यहाँ पे दो हो गया और यहाँ पे चार, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स छः होगा, तो टोटल कितना हो गया, 16 दांत। अब देखिए बस ऊपर का जोड़ा है आपको, अब देखिए अब नीचे का जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 32 दांत। जोड़ लीजिएगा फ्रेंड्स एक बार, और देखिए इसका ट्रिक, जो दूध वाले दांत होते हैं, जो बच्चे में देखे होंगे जो दूध वाला दांत होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है और प्रीमोलर होता है। वहाँ से ट्रिक्स भी याद करते हैं, 21-20 से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से दूध वाले दांत जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएंगे, तो 20 दांत जो होते हैं वो दूध वाले होते हैं, जो टूट के दोबारा भी निकलते हैं। और देखिए जो लास्ट वाला जो मोलर होता है, ये जीवन में बस एक ही बार निकलता है, जो सबसे लास्ट में निकलते हैं। तीन तीन ऊपर हो गए तो 6, दोनों तरफ से नीचे ऊपर का जोड़ेंगे तो 12। तो देखिए क्या पूछा है आपको फ्रेंड्स, कितने बार, दो बार, तो दूध वाले जो दांत होते हैं 20, तो वो 2 बार निकलते हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। तो अच्छे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए वही पूछता कि कौन सा दांत जीवन में एक बार निकलते हैं, तो मोलर हो जाता, कितने दांत हो जाते, तो 12 दांत हो जाते फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और फिगर को अच्छे से देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद हो जाएगा। देखिए शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है, तो ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर देखिए, मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, कैल्शियम। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपांगीय कंकाल में कितने हड्डियां होती हैं, अभी ऊपर बताए भी थे, फिर से बता दे रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों को, तो पहले फिगर में देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए फिगर में देखिए जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये सब अक्षीय कंकाल होते हैं, बाकी इसको छोड़कर जो पार्ट दिख रहे हैं आपको ये सब उपांगीय कंकाल होते हैं। देखिए जो रेड वाला दिख रहा है वही पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेंड्स आप लोगों को, तो देख लिए ये अक्षीय कंकाल होते हैं, तो इसमें हड्डियाँ कितनी होती हैं, इसमें 80 हड्डियाँ होती हैं। और देखिए जो उपांगीय जो रेड को छोड़कर जितनी हड्डियाँ आपको दिख रही हैं वो सब 126 हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स, टोटल 126 हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें कितने हड्डियाँ हो जाएंगी उपांगीय कंकाल में, तो 126, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। बस अच्छे से फिगर में एक बार समझ लीजिए तो सबसे अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान भाषा में समझाया जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आंसर बताइए अगर आंसर आ रहा हो तो। देखिए फ्रेंड्स मांस, देखिए जो थकान महसूस होती है तो लैक्टिक अम्ल, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। देखिए लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस अच्छे से समझते रहिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है फ्रेंड? तो देखिए, लगभग 1350 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 1350 ग्राम। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, 1350 ग्राम। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये तो इम्पोर्टेंट समझे वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझने वाला। तो देखिए, फिबुला और टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार फिगर में देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, टीबिया और फिबुला या पैर में हड्डी पाई जाती है। देखिए, ये नीचे पाई जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे दो हड्डियाँ दिख रही हैं आपको, एक टीबिया है और एक फिबुला है। दोनों को अच्छे देखिए, टीबिया है और एक फिबुला है। और देखिए, जो ए वाली हड्डियाँ होती है, जो घुटने वाली हड्डियाँ होती है, इसको पटेला बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट तीनों को अच्छे समझ लीजिएगा, जो घुटने वाली हड्डियाँ होती है इसको क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। अब बाकी देखिए, फिबुला ए वाली हड्डियाँ है और टीबिया ए वाली हड्डियाँ हैं। तो देखिए, इसमें दो हड्डियाँ आपको दिख रहे हैं, तो दोनों को अच्छे समझ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कहाँ पे पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बस पिक्चर को एक बार देख लेंगे, इमेज को एक बार दिमाग में आपको सेट कर लेंगे, तो आपको हमेशा के लिए फ्रेंड्स याद हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अस्थियों मतलब हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है, मतलब किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर अगर आ रहा हो तो बताने की प्रयास जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए देखिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। देखिए, इम्पोर्टेंट था, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, अच्छे समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन हमेशा कुछ लोग फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, जहाँ हड्डी हड्डी की ज्वाइंट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो एक बार फिगर में देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक हड्डी दिख रही है और यह एक हड्डी, इसको इसको जो जोड़ है इसको क्या कहते हैं? तो इसको लिगामेंट कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, लिगामेंट। और देखिए फ्रेंड्स, जो हड्डी हड्डी को जोड़ता है ये तो लिगामेंट हो गया। और देखिए, जो हड्डी और मांसपेशियों को, देखिए यहाँ पे हड्डी है और यहाँ पे मांसपेशियाँ से जुड़ी हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम टेंडन बोलते हैं। देखिए, हड्डी और मांसपेशियाँ अगर जुड़ी रहेंगी तो उसको हम टेंडन बोलते हैं। देखिए, वो तब सी वाला ऑप्शन सही हो जाता। अगर हड्डी हड्डी को बोलेगा कि हड्डी को परस्पर कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर कोई ट्रिक सेट हो जाए तो ट्रिक के साथ सेट कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए, सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, ये तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। और देखिए, जो दूसरा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में, दूसरा सर्वाधिक तत्व, तो कार्बन हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर दूसरा पूछे तो कार्बन, पहला पूछे तो ऑक्सीजन। देखिए, पहला बहुत कम पूछ रहा है, अब दूसरा ज़्यादा पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स,
हमारा अगला क्वेश्चन, दांतों का बाहरी आवरण एनामिल जो होता है किसका बना होता है? जो दांत जो सबसे कठोर होता है मनुष्य का, तो देखिए वो जो ऊपर उसके जो परत होती है उसी को पूछ रहा है। तो देखिए फिर, दांतों का बाहरी आवरण जो एनामेल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसका दूसरा पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दूसरा देखेंगे तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरी हड्डियाँ आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो भूलना मत, दूसरा जरूर देख लीजिएगा।